नमस्कार दोस्तों, आज है 13 मई 2021 और बात करेंगे आज के कुछ मुख्य समाचारों के बारे में। देखिए, पहली खबर निकलकर सामने आ रही है, राजस्थान में टेस्ट का ये कैसा गणित, 80,000 सैंपल पर भी उतने ही पॉजिटिव केस जितने की 40,000 सैंपल पर लिए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य में 24 घंटे के अंतर्गत 16,080 नए मरीज मिले हैं और रिकॉर्ड 169 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर के बाद में आज जोधपुर में 1,00,000 से ज़्यादा संक्रमित वाला दूसरा शहर जोधपुर बन चुका है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो गांव की कोरोना से लड़ाई, स्व अनुशासन, स्व प्रेरणा और शक्ति की तीन नई कहानियां जो बता रही अब कोरोना होगा लोक। स्व अनुशासन की बात करें तो 17 मौतें, 85 पॉजिटिव और सरपंच ने गांव को खुद लोक किया और घर घर पानी भी पहुंचाया। स्व प्रेरणा की बात करें तो 97 साल की दादी ने जिद करके लगवाई वैक्सीन। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 60 साल से ज़्यादा के 27,00,000 लोगों को कैसे लगेगी दूसरी डोज, सरकार के सामने ये सवाल है। सरकार के पास तो 2,00,000 टीके ही बचे हैं तो फिर 27,00,000 लोगों को कैसे लगेगी वैक्सीन। तस्वीर बीकानेर के PMMCH कोविड हॉस्पिटल की है। अमरसर गांव निवासी दापू देवी को मंगलवार सुबह 6:30 बजे पर शव पीड़ा हुई। कोरोना संक्रमण के कारण वे ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी, बावजूद इसके करीब 1 घंटे के बाद में उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी से बेटे को जन्म दिया और बच्चा भी स्वस्थ है। अगली राहत की खबर की बात करें तो मरीज को भर्ती या फिर रेफर करने के लिए फ्री मिलेगी आपको एम्बुलेंस सेवा। प्रदेश में जिला स्तर के ऊपर या खंड स्तर के ऊपर संचालित कोविड कंसल्टेशन सेंटर और कोविड केयर सेंटर से मरीजों को अस्पताल में रेफर करने के लिए एम्बुलेंस की निशुल्क व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस के रूप में जिले में उपलब्ध 108 या फिर 104 सेवा के वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा और जरूरत होने पर संबंधित जो कलेक्टर हैं वो निजी एम्बुलेंस का अधिग्रहण अथवा किराए पर संचालन भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के ऊपर स्वास्थ्य विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में बेकाबू संक्रमण, 24 घंटे में रिकॉर्ड 169 मौतें, 16,080 नए संक्रमित और सर्वाधिक मौतों में हम देश में 6वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो किसान आंदोलन में रेप का मामला, 10-12 बड़े किसान नेताओं को नोटिस देने की तैयारी में है पुलिस। जिन किसान नेताओं की भूमिका मिल रही सबकी होगी जांच। देखिए, अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंख नाक खा रहा ब्लैक फंगस, कोरोना के साथ में अब भयानक दंश, 8 दिन में 20 केस और 10 ने एक आंख और एक जबड़ा गवाया और 2 लोगों की जान भी चली जा चुकी है और 100 से ज़्यादा जो है वो इस ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से संक्रमित भी हैं। और जैसे कोरोना के इलाज में काम में आने वाली जो रेमडेसिविर वैक्सीन है उसकी कालाबाजारी फिलहाल मार्केट में चल रही है, उसी तरीके से ये जो ब्लैक फंगस है इसके इलाज में काम में आने वाला जो टीका है वो 2,000 रुपये में आता है लेकिन 11,000-12,000 रुपये में मार्केट में वो बिक रहा है, तो कालाबाजारी जो है वो इसकी भी शुरू हो चुकी है। और देखिए, ये जो ब्लैक फंगस है इनसे कौन से मरीजों को खतरा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं उनको खतरा है और या फिर जो ठीक हो चुके हैं लेकिन जिनको शुगर है, ठीक है, शुगर समझते हो ना, शुगर है, उन मरीजों को काला फंगस यानी कि ब्लैक फंगस होने की जो संभावनाएँ हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके लक्षण कैसे पहचाने आप, तो नाक खुश्क और चेहरे व तलवे की त्वचा सुन्न पड़ जाती है, चमड़ी काली पड़ जाती है और खून बहने लगे तो बिना देरी किए हुए डॉक्टर को आप दिखाना क्योंकि ये ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घट रहा मौतों का ग्राफ, 24 घंटे में 46 मौत, ब्यावर में ही 22 ने दम तोड़ दिया। अजमेर जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या वो कम नहीं होती दिख रही है। मंगलवार को जिले भर में 46 संक्रमितों की मौत हो चुकी और 505 नए केस सामने आए हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग की सूची में केवल 6 मौतों की जानकारी दी गई है। मंगलवार को सबसे अधिक ब्यावर में 22, किशनगढ़ में 5, केकड़ी में 2, विजयनगर में 1 और अजमेर शहर में 16 लोगों ने दम तोड़ा है। अब तक जिले में 1,097 की मौत हो चुकी है जबकि 39,583 नए केस सामने आए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में राहत, 478 नए मरीज मिले, उससे 1.5 गुना यानी कि 722 स्वस्थ भी हो गए। चिंता है वो बरकरार है क्योंकि 6 की मौत भी हो चुकी है। महंगी पड़ सकती है प्रशासन की 2 बड़ी लापरवाही। देखिए, जिले में सिर्फ 80,000 लोगों को लगी है दोनों डोज, इस स्पीड से अगर लगेंगे तो 2.5 साल में पूरा होगा कोरोना के टीकाकरण का लक्ष्य। सैंपलिंग में खेल, 5 मई को 2,334 तो 9 मई को 315 ही सैंपल लिए गए, इसी वजह से जो केस हैं वो कम दिख रहे हैं, ठीक है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा, सीकर में ही लॉकडाउन के उल्लंघन के ऊपर शराब ठेके को सीज किया। सीकर में बढ़ाडर गांव में लॉकडाउन के बावजूद चौधरी वाइन्स देसी
वह अंग्रेजी शराब का ठेका जो है वो खुला था। सदर थाना पुलिस ने ठेका सीज किया। वहीं एक कैंपर और एक गाड़ी व दो बाइक एमवी एक्ट के तहत जब्त की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाबालिगों ने स्कूल से चुराए कंप्यूटर। सीकर जिले की यह खबर है। महंगा मोबाइल फोन खरीदने के लिए सरकारी स्कूल में की थी चोरी और बेचने के लिए ग्राहक ढूंढे तो दोनों पकड़े गए। अगली खबर की बात करें तो कोरोना महामारी में आखा तेज के अबूझ सावे के ऊपर सरकार की पूरी निगरानी है। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। कोरोना महामारी के बीच में दो दिन के बाद में आखा तेज अबूझ सावे के मौके पर होने वाले जो बम्पर शादियां हैं उनको देखते हुए एसडीओ ने शादी ब्याह के आयोजनों की निगरानी और शादियों में गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार के नेतृत्व में कमेटी गठित की है। अगर गाइडलाइन की अवहेलना करने के ऊपर विवाह जो आयोजक हैं जो समारोह स्थल के संचालक हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। एसडीओ राठौड़ ने बताया कि 31 मई तक बैंडबाजा बारात पाबंदी पूरी लगाई गई है और शादी में अगर बहुत जरूरी हो तो 11 ही मेहमानों की मौजूदगी में शादी करवाई जा सकती है। इसे ज़्यादा होंगे तो 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाना तय किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रीट 2021 का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है और कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको परेशानी हो सकती है। देखिए, पेपर फर्स्ट को पास करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो रीट में 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए पात्र होंगे, जबकि पेपर सेकंड को पास करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 को पढ़ा सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो वो 60% हैं, जबकि आरक्षित यानी कि जो जिनको रिजर्व कैटेगरी है उनको लिए उम्मीदवारों को पासिंग मार्क्स हैं उसमें छूट दी गई है, उनको केवल 36% ही पासिंग मार्क्स चाहिए। रीट 2021 का जो नया नोटिफिकेशन है उसके अनुसार राजस्थान सरकार ने देश भर में कोविड-19 के कारण रीट 2021 जो परीक्षा है उसको एक बार फिर से स्थगित कर दिया है। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 है उसकी अब 20 जून 2021 को आयोजित होने वाली थी उसको फिलहाल स्थगित कर दिया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 20 जून को परीक्षा आयोजित होना संभव नहीं है। राज्य सरकार का मुख्य ध्यान अब महामारी में लोगों की जान बचाना है, इसमें सभी अधिकारी हैं वो भी तैनात हैं और परीक्षा जो आयोजित करने के लिए अनुकूल समय होगा तभी परीक्षा आयोजित करवा दी जाएगी और उसका जो नोटिस है वो भी जल्दी ही आयोजित करवा दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जल्द ही आधिकारिक साइट के ऊपर, और वो आधिकारिक साइट कौन सी, आपकी reetbser21.com, इसके अलावा और कोई भी वेबसाइट आप विजिट ना करें, इसके ऊपर ही आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। यह दूसरी बार है, हालांकि ये 5वीं बार है जबकि राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो रीट परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया गया है। पहले 25 अप्रैल 2021 को होनी थी परीक्षा लेकिन महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। अब आगे अगर कोई भी नोटिस आता है तो उसके लिए आपको सूचना प्रोवाइड करवा दी जाएगी, इसलिए आप हमसे रेगुलर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रोजाना आने वाली खबरों का जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।